हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अनमैरिड हैं और आपको प्रोलैप्स की समस्या भी है, यानी कि आपकी बच्चेदानी बाहर निकल जाती है, बाहर दिख रहा है शरीर का कोई हिस्सा वजाइना के, तो डेफिनेटली ये प्रोलैप्स हो सकता है। तो क्या अनमैरिड लड़कियों में भी प्रोलैप्स हो सकता है? तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रही हूँ कि क्या अनमैरिड गर्ल्स में भी प्रोलैप्स हो सकता है, और यदि है तो उसका क्या समाधान है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर प्रोलैप्स होता क्या है। प्रोलैप्स यानी कि बच्चेदानी का वजाइना के थ्रू बाहर आ जाना, यानी कि शरीर का बाहर की तरफ दिखाई देना प्रोलैप्स कहलाता है। प्रोलैप्स में बच्चेदानी आ सकती है, बच्चेदानी के साथ वजाइना का भी कुछ हिस्सा नीचे आ सकता है, जिसको कि यूटेरो वजाइनल प्रोलैप्स कहते हैं। और आगे की तरफ पेशाब की थैली होती है, यानी कि ब्लैडर होता है, तो वो भी खिसक के नीचे आ जाता है, तो उसको सिस्टोसील कहते हैं। और पीछे की तरफ लैट्रिन की थैली होती है, जो भी खिसक के नीचे आ जाती है, तो उसे रेक्टोसील कहा जाता है। और कई बार आंतें भी उस बच्चेदानी के साथ साथ नीचे आने लगते हैं, जिसे कि एंटेरोसील कहा जाता है। तो ये जो सारे टर्म्स हैं, वो सारे के सारे प्रोलैप्स के अंदर ही काउंट होते हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर ग्रॉसली अगर आप समझेंगे, तो बच्चेदानी और आसपास का जो ऑर्गन्स हैं, उनका टिश्यू की कमज़ोरी की वजह से, यानी कि आसपास के जो सपोर्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी कमज़ोरी की वजह से वो नीचे खिसक के आ जाना ही प्रोलैप्स कहलाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्रोलैप्स है या नहीं है? क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सवाल बार बार पूछा गया है, और आज हमने इसका एक लाइव सेशन भी किया था कि अनमैरिड गर्ल्स में या प्रोलैप्स की अगर आपको समस्या है तो आपको कैसे पता चले। तो आप उसमें भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम प्रोलैप्स का है कि आपको ये लगता है कि आपके वजाइना के बाहर आपको कुछ फील हो रहा है, यानी कि कुछ बाहर निकल रहा है, कोई ड्रैगिंग सेंसेशंस आपको फील होते हैं, और कोई हिस्सा या कोई भी चीज़ आपको बाहर दिखाई दे रही है। और जब आप ये उकड़ू बैठते हैं तो ये ज़्यादा दिखता है, और जब आप लेट जाते हैं तो ये कम हो जाता है, यानी कि अंदर चला जाता है, उसका दिखना कम हो जाता है। या आप जैसे ज़ोर लगाते हैं, भारी वज़न उठाते हैं, तो भी वो हिस्सा ज़्यादा दिखने लगता है। कई बार आपको पेशाब जाने में, यानी यूरिन करने में, पास करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ब्लैटरिन की पेशाब की थैली नीचे खिसकी होती है, तो उसकी वजह से ये समस्या आती है। किसी किसी लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो जाती है, क्योंकि लैटरिन की थैली साथ में खिसकी होती है। अब लेकिन अगर अनमैरिड लड़कियों की बात करते हैं, जिसमें जनरली ये प्योरली टिश्यू की कमज़ोरी की वजह से होता है, जो कि जन्मजात हो सकता है, तो उनमें सिस्टोसील और रेक्टोसील, यानी कि लैट्रिन की थैली और पेशाब की थैली नहीं खिसकी होती। आइसोलेटेड यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, यानी कि केवल बच्चेदानी खिसकी होती है, तो उनको एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। अब जब आपको कुछ ऐसा हिस्सा बाहर दिख रहा है जो जोर लगाने पर बढ़ रहा है, तो वो प्रोलैप्स हो सकता है। तो आप डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाइए, और डॉक्टर आपको चेक कर फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही बता पाएंगे कि आपको प्रोलैप्स है या नहीं है। कुछ और भी समस्याएं ऐसी होती हैं जो कि प्रोलैप्स जैसी दिखती हैं। यदि आपकी बच्चेदानी के अंदर कोई मांस बढ़ गया है, कोई पॉलिप है, और वो भी निकलकर बाहर आ रहा है, तो वो भी आपको ऐसा ही लगेगा कि आपके शरीर का कोई हिस्सा बाहर निकल रहा है, बट डेफिनेटली वो प्रोलैप्स नहीं है। इसके साथ ही साथ वजाइना के अंदर कोई गांठ हो सकती है, कोई सिस्ट हो सकती है, जो भी बाहर की तरफ आ सकती है, वो भी आपको प्रोलैप्स जैसा लग सकता है। तो डॉक्टर जब आपको चेक करेंगे, तभी आपको कन्फर्म कर पाएंगे कि एग्जैक्टली आपको प्रॉब्लम क्या है। लेकिन शरीर के बाहरी वजाइना के बाहर कुछ दिखाई देता है, तो वो प्रोलैप्स माना जा सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, तो डॉक्टर के पास जाकर आप एग्जामिनेशन ज़रूर करवा लीजिए। अब यदि आपको पता चलता है कि आपके प्रोलैप्स है, तो अब इसका इलाज क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों से एक ही बात सुनी है, बार बार सुनते हैं कि यदि बच्चेदानी नीचे खिसक गई है तो उसे निकालना पड़ेगा। अब यदि आप अनमैरिड हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, और अभी आपकी लाइफ स्टाइल अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो ऐसे स्थिति में तो हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप बच्चेदानी निकलवा दीजिए। और हम बार बार हर मरीज़ को, मैरिड हो या अनमैरिड हो, एक ही बात कहते हैं कि यदि बच्चेदानी नीचे खिसक गई है तो उसका बच्चेदानी निकालना कोई हल नहीं है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई बीमारी नहीं है। नीचे खिसक गई है क्योंकि उसको सपोर्ट की कमी थी, हमें तो सिर्फ उसको वापस अपनी नॉर्मल जगह पर फिक्स करना है, और उसको फिक्स किया जा सकता है, उसे निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको फिक्स कैसे किया जाएगा? तो उसको फिक्स करने के लिए दूरबीन का ऑपरेशन किया जाता है, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक पेक्टोपैक्सी और सेक्रोपैक्सी के नाम से जानते हैं। दो तीन तरीके के ऑपरेशन होते हैं, तो जो भी सूटेबल आपके लिए होता है, डॉक्टर उनमें से एक ऑपरेशन आपके लिए चूज़ करता है, और उसको वो आपके लिए दूरबीन से करता है। अब इसमें जो करने की जो प्रक्रिया है, तो बेहोशी देकर की जाती है।
पेट के ऊपर 3 या 4 छेद बनाए जाते हैं, जिससे कि दूरबीन अंदर जाती है और आसपास के छेद से औजार अंदर डालते हैं। और जब अंदर डालते हैं तो उसमें जो यूट्रस नीचे खिसक गया उसको वापस अपनी जगह पर लाने के लिए हमें कुछ रिप्लेसमेंट कुछ चाहिए होता है, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे कि हम यूट्रस को अपनी जगह पर फिक्स कर सकें। तो इस काम के लिए हमें मैश यूज़ करनी पड़ती है, जिसे कि बोलते हैं कि जाली से हम बच्चेदानी को फिक्स कर देंगे। तो मैश या जाली पेट के अंदर डालकर उसको बच्चेदानी के साथ सूचर किया जाता है, स्टिक उसको फिक्स किया जाता है, और उसको साथ ही साथ आसपास के जो एरिया होते हैं जैसे कि पेल्विक बोन हो सकती है या रीढ़ की हड्डी हो सकती है या कहीं आसपास के एरिया में उसको मैश के दूसरे एंड को फिक्स किया जाता है, जिससे कि बच्चेदानी को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है और बच्चेदानी को नॉर्मल अपनी पोजीशन पे रखने में हेल्प हो पाती है। क्योंकि प्रोलैप्स का मेन कारण होता है कि लेडीज़ का जिसको भी प्रोलैप्स हुआ है उस लड़की का जो शरीर है टिश्यू है वो कमज़ोर है, तो इसलिए उसके रिप्लेसमेंट में हमें अंदर एक जाली डालनी पड़ती है जिससे हम यूट्रस को अपनी जगह पर फिक्स कर पाते हैं। और जैसे ही इसको फिक्स कर देते हैं तो नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है। इस ऑपरेशन के सक्सेस 90-95% तक होती है, फेलियर चांसेस काफ़ी कम होते हैं, बट फिर भी कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकती है। लेकिन 95% भी अगर किसी ऑपरेशन की सक्सेस रेट है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। और ये दूरबीन से हो रहा है, इसमें कोई चीरफाड़ टाका पट्टी नहीं हो रही है, आराम से करवाया जा सकता है और इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको इसके लिए प्रोसीड करना चाहिए। क्योंकि जब आप इसका ऑपरेशन करवा लेती हैं तो डेफ़िनेटली आपकी नॉर्मल लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, आप अपनी रूटीन लाइफ आराम से जी पाते हैं। और जैसे ही आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो आपको अगर आपका यूट्रस अंदर है तो डेफ़िनेटली आप इंटरकोर्स को भी एंजॉय कर पाएंगी, क्योंकि यदि बच्चेदानी बाहर है तो आप इंटरकोर्स को एंजॉय नहीं कर पाएंगी, उसको करने में भी आपको दिक्कत आएगी। इसके साथ ही साथ बच्चेदानी के बाहरी हिस्सों में इन्फेक्शन हो जाता है, घाव बन जाते हैं, मवाद बन जाती है और बीच बीच में स्पॉटिंग होती रहती है, तो आपकी सोशल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद आपकी सोशल लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, आप अपनी सोशल सेक्सुअल लाइफ को भी एंजॉय कर पाएंगी और यदि भविष्य में आपकी शादी होती है और आप आराम से अपनी मैरिड लाइफ को भी आगे कंटिन्यू कर पाएंगी और प्रेगनेंसी होने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आती है। डेफिनेटली यदि बच्चेदानी का मुँह बाहर है तो प्रेगनेंसी होने में तकलीफ आती है, लेकिन यदि नॉर्मल पोजीशन पर है तो आराम से प्रेगनेंसी हो जाती है। और प्रेगनेंसी के बाद आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, और आप चाहती हैं कि नहीं सिजेरियन हो तो सिजेरियन भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आगे की लाइफ में कोई समस्या नहीं आती है, बच्चेदानी को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चेदानी को नॉर्मल अपनी जगह पर फिक्स कर दिया जाता है। और दूरबीन से ऑपरेशन होता है तो पेट पर किसी प्रकार के निशान भी नहीं आते, जिससे कि ज़्यादा पता भी नहीं चलता है कि किसी प्रकार का आपका कोई ऑपरेशन भी किया गया है। तो इस तरीके से आपको इस पूरे वीडियो में प्रोलैप्स क्या होता है, उसके क्या लक्षण हैं और उसका क्या इलाज है, सारी बातें हमने आपको इस वीडियो में समझा दी हैं, बता दी हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि आपके सवाल कोई रह गए हैं जो हमने क्लियर नहीं किए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। और कमेंट बॉक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में आज के एक लाइव वीडियो का भी आपको लिंक मिलेगा, जिसमें हमने प्रोलैप्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो हो सकता है कि आपके सवालों का जवाब आपको उसमें मिल जाए। और अगर उसमें भी आपको नहीं मिलता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकती है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।